तो दोस्तों मैं हूं आपका उस एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची आरटीआर 164V क्यों नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कौन कौन सा रीज़न है। पर्सनली मैं ओन कर रहा हूं, मैंने इसको चला भी दी है, तो क्यों नहीं लेनी चाहिए इसका मैं आपको एक मोटा मोटा एक रीज़न बताता हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो चलो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट हम रियल कैमरे बताते हैं सारी। आप लोगों ने देख ली बाइक। इसके अंदर क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे सबसे तगड़ी प्रॉब्लम लगी वो प्रॉब्लम ये है इस बाइक के भाई, रियल मडगार्ड। ठीक है, रियल मडगार्ड के लिए भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये बस कंपनी ने दे दिया, क्यों दे दिया, क्यों किस लिए दिया, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बस कंपनी ने दे दिया इस मडगार्ड का। मतलब अगर देखा जाए ना, अगर मैं इस बाइक के पीछे हूँ और सपोज मैं इस बाइक के पीछे हूँ और मैं अपनी इस बाइक को चला रहा हूँ इसके पीछे, तो यहाँ पर तक इसकी मिट्टी नहीं आएगी, लेकिन वहीं पर अगर मैं थोड़ा साइड हुआ भाई, यहाँ से बहुत गंदी मिट्टी फेंकने वाली है बाइक, बहुत गंदी मिट्टी फेंकने वाली है। और इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ऊपर देख रहे हो आप कितना कीचड़, बाकी नीचे वीचे में कहीं इधर के साइड भी देख रहे हो कहीं कोई कीचड़ नहीं, लेकिन यहाँ पे कीचड़। ये चीज़ मुझे इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी। अगर आप लोगों में से भी किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर अगर कोई प्लेन बैठ रहा है ना, तो भाई पीछे बैठने वाला अगर कोई साड़ी या सूट में बैठा है और कीचड़ में भैया बारिश में चला देना भाई, उसकी साड़ी सफ़ेद की ना कब कौन से कलर में हो जाए मुझे नहीं पता, वो चीज़ आप लोग देख लें। क्योंकि इसको क्या है, अभी हमें बारिश में भी अभी हल्की सी बारिश हुई तो वहाँ देख लिया, हल्की सी बारिश में भी भाई बहुत बुरी हालत कर दी थी, बड़े अंदर साफ कर दी, और आप लोग देख लो कि यहाँ पे कीचड़ अभी तक भी लगा, मेरा भी भाई हाथ नहीं गया इसमें। ठीक है, ये पहले इसके अंदर प्रॉब्लम लगी। दूसरी प्रॉब्लम अगर मैं इस बाइक के अंदर देखी तो कुछ इसके पता ही क्या है, जैसे हम चलाते हैं एज अ राइडर मैं हूँ, मैं इसे चला रहा हूँ, तो ये ना इसका ये चीज़ जब हम लाइक पैंट पहन रहे या लोअर पहन रहे तो ये ना यहाँ पे ना ये घिसना शुरू हो जाता है। देखो अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखो सीट इसकी क्या है आपको यहीं से पता चल गया, सीट अंदर है पर ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसका थोड़ा आवाज़ करता है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। और ये दोनों साइड से ही है, अभी तो खैर ये बाइक नहीं है तो ये आवाज़ नहीं कर रही है, लेकिन कभी कभी ना ये जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसको उनके पास है सेम यही बाइक है, तो उनके ना ये चीज़ में ना ऐसे आवाज़ आने लग जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख लोगे जैसे अगर मैं बैठूंगा तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में भी ना थोड़ी सी ऐसा उन लोगों को लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहें तो यहाँ से पेंट घिसना भी शुरू हो सकता है। एक ये इसके अंदर प्रॉब्लम लगी। दूसरी इसके अंदर एक मेरे को प्रॉब्लम क्या लगी वो है इसकी ये जिसके अंदर ये इंजन ये लगा रखा है, देखो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी ज़्यादा खास ही लगी। ठीक है, अगर जैसे मैं वो ऑफ रोडिंग करने वाला इंसान हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे ये निकाल के हटा देना चाहिए भाई, ये चीज़ मुझे हटा देनी, ये चीज़ क्या ये चीज़ मुझे हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये हम जैसे ऑफ रोडिंग करने वाले पर्सन के लिए नहीं बनी है। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जो यहाँ पर ये इसका मडगार्ड दे रखा है ना, कंपनी को ये मडगार्ड यहाँ तक करना चाहिए था। ठीक है, आप लोग देख लोगे ये, ठीक है ये यहाँ तक होना चाहिए था ये मडगार्ड ये यहाँ होता ना तो इतने हिस्से में ना यहाँ पे मिट्टी नहीं पहुँचती भाई। लास्ट टाइम जो मैंने ऑफ रोडिंग की यहाँ से लेके मेरी यहाँ तक की मिट्टी पहुँची है, मतलब मेरा ये जो साइलेंसर है ना ये जैसे कैटलिटिक कन्वर्टर लगा है यहाँ तक मिट्टी पहुँची है, तो ये चीज़ थोड़ा मज़ा नहीं आया। तो इसके ऊपर भी आप लोग को एक मॉडिफिकेशन की वीडियो दिखाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अब जैसे भाई इसको बनाया 15 साल हो गए इसको और अभी तक कोई कह नहीं सकता, वैसे सेम काम कुछ काम इसके अंदर मुझे करना है जो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाने, क्योंकि मेरी एक आदत है एक बारी लेने के बाद बार बार दोबारा नहीं लेते, एक ही बार पैसा फूको अच्छा फूको लेकिन बढ़िया चीज़ उठाओ। तो ये इसके अंदर यहाँ पे ये प्रॉब्लम लगी है। दूसरी इसके अंदर अगर देखा जाए कि प्रॉब्लम तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि जब इसके अंदर प्लेन बैठता है, प्लेन अगर लॉन्ग टूर की अगर मैं बात करूँ तो ना आपको पता इसमें थोड़ा बहुत ना कुछ सीट में करवाना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं कह 100, 200, 300, 400 किलोमीटर की राइड है तो एवरेज इतना सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करवानी पड़ेगी। वैसे ये नहीं कि अलग से कुछ यहाँ फॉर्म लगाना इधर लगाना, नहीं इसी के ऊपर ही थोड़ा लगाने के वहाँ पे आपका चीज़ सही हो जाएगा। क्योंकि जो पिलियन बैठा था तो उसको भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब वो इस तरीके से यहाँ पर बैठ रहा था, ठीक है अभी तक मैं इस बाइक के पीछे बैठा नहीं हूँ तो अभी तो खैर मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे पीछे बैठा था उन्होंने बताया था कि ये वाला जो पैनल है ये वाला जो पार्ट है ये क्या इधर पहुंच जाते तो ये वाला पार्ट ना लगता है, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा घिसने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो क्या है इस बाइक के ऊपर हम लेमिनेशन नहीं करवा सकते क्योंकि भाई मैट है, और मैट के ऊपर आप लोगों को पता है भाई लेमिनेशन बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली इसमें, तो फिर वही जुगाड़ है टेप वेप लगा लोगों के वैसे कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा, वरना यहाँ से ना ये वाला हिस्सा इसका घिसने बहुत जल्दी घिसना शुरू हो जाएगा। और भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी नई बाइक के कोई भी पार्ट घिसे, मैंने आज तक इसका कोई पार्ट घिसने नहीं दिया, अब तक पूरा स्टॉक है तो इसको तो खैर कहाँ ही, ठीक है और मेरे दोनों ही बाइक बराबर है तो कोई वो नहीं है। तो ये जो दो पैनल्स हैं इन दोनों पैनल्स का हमें थोड़ा सा खास कोर से ध्यान रखना पड़ेगा,
और अगर देखा जाए तो कुछ फिनिशिंग के मामले मुझे इस बाइक में कमी लगी। जैसे फिनिशिंग के मामले में लाइक कुछ पैनल गैप्स इसमें मिले, जैसे देखो यहाँ पे ना एक गैप है, ठीक है, ये आप देख रहे होगे, ये मैंने ऐसे अंदर दबाया, ये बाहर आया, अंदर दबाया बाहर आया, लेकिन दूसरी साइड ऐसा नहीं है। दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो फिनिशिंग में कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल एक्यूरेट इसका जैसे होना चाहिए सेम वैसे, लेकिन उधर के साइड में थोड़ा पैनल गैप है। वो चीज़ तो खैर चल मैं बॉडी में है, प्लास्टिक है, इसके बारे में मैं इतना माइंड नहीं करता, लेकिन फिर भी यार हम इतना पैसा इसमें एक बाइक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ तो इसके अंदर मतलब नहीं मिलनी चाहिए हम लोगों की, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स मिले। और सबसे बड़ी जो मेजर भाई इस बाइक की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगी वो है इसके सॉकेट। मतलब क्या सोच के भाई ये सॉकेट बाहर निकाल दिए, मतलब क्या है ये, कोई भी इसको मेरे हिसाब से यहाँ से कोई भी खोलने वाला ना, कोई मस्ती भी कर रहा होगा ना, यहाँ से दो सॉकेट खोल देगा बाहर, तो ये चीज़ तो यार मुझे समझ में आई नहीं। अभी मेरी इस बाइक की फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है तो ये कंप्लेंट मैं उसके पास लेके जाने वाला हूँ। या तो इसके ऊपर यहाँ पे आप कुछ पाइप लगाओ या कुछ ऐसा लगाओ कि, क्योंकि ये सॉकेट इतने इजी है ना, बहुत इजी वे में खुल जाएंगे ये सॉकेट, और सॉकेट नहीं भी खुले ना भाई इसको कोई भी यहाँ से काट सकता है, परेशान करने के लिए कोई भी काट देगा। TVS वाला बोल देगा भाई वारंटी आउट, आपके वायर्स कट गए तो आपको वायर नहीं चेंज करवानी पड़ेगी, वो वाले सारे इसमें लफड़ाएंगे। पता नहीं इसका क्या है, अभी मैंने भी इसमें इतने ज़्यादा कुछ वो करा नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हो आप जिस तरीके से ये है टर्न लेने पर ये सब मुड़ रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे लगी पता नहीं क्यों ऐसा दे रखा है। कम से कम यार इन बाइक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो पूरा प्लास्टिक लगा के अच्छे तरीके से अंदर कवर कर रखा है, लेकिन इसमें पता नहीं मतलब यार इतनी टॉप अच्छे खासे वेरिएंट TVS की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है ये, उसमें तो यही सिर्फ उस साइड में है, और इधर के साइड में तो ये इधर के साइड में जैसे वायरिंग का नहीं है कोई, या तो उधर के वायर वो इधर सेट कर देते, कुछ ऐसा कर देते कि इधर, क्योंकि स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, पता नहीं वहाँ पर क्यों सॉकेट्स बाहर निकाल दिए, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा खास लगी नहीं। अब देखा जाए तो देखो अब अगर पैकेज के मामले में देखा जाए कि आपको क्या ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरा मानना ये है इतने प्राइस में आप इस बाइक को ले लो, ये है कि आप इसके ऊपर 10,000 रुपये अपना अलग से रखो कि आपको कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वो 10,000 रुपये में ना भाई सारा सॉल्व हो जाएगा। अराउंड अगर मैं इसका एक मडगार्ड बताऊँ 1,000 रुपये के समथिंग का एक मडगार्ड आ जाएगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हमें इस बाइक में कौन सा मडगार्ड लगाना है, जो एक बार लगाने के बाद आपकी टेंशन खत्म। दूसरा यहाँ भी आपको पता चलेगा यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ लगाई जाए कि ये जो कीचड़ है ना भाई, मुझे अपनी बाइक बिल्कुल गंदी पसंद नहीं है, मैंने उसको भी नहीं देखा, मेरे को धुलवाने का भी शौक नहीं, मैं बाइक कभी नहीं धुलवाया, मैंने आज तक एक दो बारी में उसे धुलवाया अदरवाइज मैं बाइक नहीं धुलवाया। यहाँ का भी कुछ एक ऐसा सेटअप बनाने वाला हूँ कि जो ये जो मिट्टी जा रही है ना यार, ये देखो तुम दूर से देख रहे हो यहाँ से लेकर कहाँ ऊपर तक पहुँच रही है, मतलब करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ के लिए भी कुछ है। और यहाँ का जो इंजन के ऊपर देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ इस बाइक की सबसे खास चीज़ क्या है, वो है इस बाइक का इंजन। मैं इतने टाइम से नेगेटिव बता रहा हूँ, ठीक है, और मैंने पॉजिटिव का भी आपको बता दिया, नेगेटिव में बता रहा हूँ मतलब इसी वीडियो में एक पॉजिटिव है कि भाई इंजन बहुत बेहतरीन है, कहीं भी ले जाओ आपको इंजन कहीं कभी बंद नहीं मिलेगा कि इंजन बंद हो गया। TVS का इंजन बंद हुआ है भाई, इतना प्यार इतना तगड़ा इंजन है ना, कभी नहीं कभी बंद नहीं हो सकता इंजन, इतना सेक्सी इंजन है इस बाइक का। तो यही हमारी कुछ वीडियो थी, और ऐसी आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी यार, तो हमारे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, राहुल ब्लॉग्स चैनल और मॉडिफाइड बाइकर्स को, तो इन दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, तो दोस्तों मैं हूँ आपका ऑलरेडी नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है TVS Apache RTR 164V का सुनाने वालों, मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड की एग्जॉस्ट इस बाइक का कैसा है, तो यहाँ से कर दी अपनी चाबी ऑन, आवाज़ आई FI की मोटर की आवाज़ आई, रुक जाना है यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, नाम लिखे आते साथ ही अब थोड़ा सा एग्जॉस्ट का मजा लिया जाए, तो एग्जॉस्ट दोस्तों मैं हूँ आपका ऑलरेडी नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है TVS Apache RTR 164V का सुनाने वालों, मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड की एग्जॉस्ट इस बाइक का कैसा है, तो यहाँ से कर दी अपनी चाबी ऑन, आवाज़ आई FI की मोटर की आवाज़ आई, रुक जाना है यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, नाम लिखे आते साथ ही अब थोड़ा सा एग्जॉस्ट का मजा लिया जाए, तो एग्जॉस्ट Yeah.
दोस्तों सुन मैं हूँ आपका ऑलरेडी नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से आज हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है टी वी एस अपाची आर टी आर 164V का सुनाने वाला हूँ मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड की, एग्जॉस्ट इस बाइक का कैसा है। तो यहाँ से करिए अपनी चाबी ऑन, आवाज़ आई FI की मोटर की आवाज़ आई, रुक जाना है यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, नाम लिखे आते साथ ही अब थोड़ा सा एग्जॉस्ट का मजा लिया जाए। तो एग्जॉस्ट